फूड लवर, और फूड लवर जाते कहाँ है, रेस्टोरेंट, और मैं पहुँच गई हूँ कबाब इस रेस्टोरेंट, जो आप सबको पता है कहाँ है, जद्दा में अजीजिया में, बड़ी ही मशहूर पट्टी के ऊपर आपको मिलेगा ये हमारा कबाब इस रेस्टोरेंट। तो आज है मेरे साथ, आज चलते हैं और लेते हैं कबाब इस रेस्टोरेंट से खाना। आज मैं लेके जाऊँगी घर खाना, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। कुछ मैं हूँ फूड लवर, और फूड लवर को क्या चाहिए होता है, चाहिए होता है खाना, और मानूर को खाना कहाँ मिलता है, रेस्टोरेंट्स में। तो आज मैं पहुंच गई हूँ टेक अवे करने के लिए कबाबिश, और कबाबिश का बारबेक्यू प्लेटर बहुत ही मज़े का है। कढ़ाई आज मुँह में पानी आने वाली कढ़ाई थी, और मैंने कढ़ाई ली है इनसे। उसके अलावा क्या कहते हैं, कश्मीरी चाय देख के तो रहा ही नहीं गया, मैंने कश्मीरी चाय तो एक बार पी ली इनकी, इतनी मज़े की कश्मीरी चाय, और ऊपर से ओपन एयर में बैठ के पीने का मज़ा। तो मैं आपको अंदर से भी दिखाते हैं, ज़रूर ट्राई करना कबाबिश रेस्टोरेंट कैसा लगता है। वो ही हमारा कबाब असिस्टेंट है बचपन वाला, जहाँ अम्मी अबू के साथ आया करते थे और खाना खाते थे। फिलहाल तो इस वक्त सब क्लोजिंग टाइम चल रहा है, लेकिन वो ही कबाब असिस्टेंट, वो ही हमारा। ओपन एयर में पीने का तो मज़ा ही कुछ और है, अजीजा में और ओपन एयर। फिर आ जाए लोगों जल्दी, ये देखें हमारे सामने ही बारबेक्यू बन रहा है, क्या ही जबरदस्त लोग हैं, खाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी।
टेकअवे इसलिए किया है क्योंकि घर आके इजी होके बैठ के इंजॉय करके खाना खाना था मुझे, इसलिए मैं जो हूँ खाना लेकर आई हूँ घर। इसकी से दो चार अच्छी बातें मैं आपको बताती हूँ। एक तो इनके बैक के ऊपर ही आपको जो है इनका मेन्यू बार कोड मिल जाएगा जिससे आप इजीली मेन्यू चेक कर सकते हैं और जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी मज़े की बात बताऊँ कि आप इनको यहाँ पर इनका नंबर है ये देख रहे हैं शॉपर के ऊपर, आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर अजीज़िया में रहते हैं तो आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, है ना मज़े की बात। और मैं बताऊँ आपको अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ इनके मेन्यू में क्या क्या मज़े की बात है। ये देखें अब ये जो बॉक्स है ना इसके ऊपर हमें इसका मेन्यू मिल रहा है, ये बॉक्स रीयूज़ हो सकते हैं, इसी में रख के खाना गर्म किया जा सकता है, इसके इतने सारे फ़ायदे। और हम पाकिस्तानी देसी लेडीज़ तो इनको दोबारा बार बार यूज़ करती हैं इन डब्बों को, ये बहुत ही इकोनॉमिकल रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं, इनको यूज़ करो और फ़ायदा उठाओ। ये मैंने उनका लिया है बारबेक्यू प्लेटर छोटा वाला क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, हमें छोटे बेटों के लिए ये कढ़ाई, मुझे ग्रेवी बहुत पसंद है, मेरे बेटे को चिकन कढ़ाई तो बहुत ही पागलों की तरह पसंद है। और ये इनकी कढ़ाई है देखें, पैकिंग देखें और स्टिल गर्म है, मैं कोई 10 मिनट पहले उनके वहाँ से रेस्टोरेंट से उठाया था और स्टिल इट्स टू हॉट। इसके ऊपर मैं जब चाहूँ इनसे डिलीवरी करवा सकती हूँ, ये मेरे घर के डोर पर आके देखे जाएंगे, गर्म गर्म रोटियाँ साथ में सलाद रायता और अब तो कहते हैं मंड के खाने मंड के। तो फिर इंशाल्लाह आपसे अगले मुलाकात होती है अगले व्लॉग में हमारे, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ हानी से ज़रूर पूछेंगे और हानी बताएंगे। चिकन कढ़ाई इट्स टू गुड, इतनी मज़े की कढ़ाई है ना, मुझे खा के ना पाकिस्तान की जैसे कि मरी या फिर हमारे लाहौर की जो बट कढ़ाइयाँ हैं ना मुझे वो याद आ गई। इट्स टू गुड, अमेजिंग बैलेंस है मसालों में और हरी मिर्चें, मज़ा ही आ गया खा के।